25 फरवरी से शेयर बाजार में लागू होगा T+1 सिस्टम। अब 25 फरवरी 2022 से शेयर बाजार में खरीद बिक्री का नया नियम लागू होने जा रहा है। इस तारीख के बाद शेयर बाजार में खरीद बिक्री का निपटान करने के लिए फॉर्मूले पर काम किया जाएगा। इसके तहत जिस दिन आप शेयर बेचेंगे उसके अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। T+1 सेटलमेंट साइकिल। दरअसल पहले ये व्यवस्था 1 जनवरी 2022 से लागू करने की योजना थी, लेकिन अब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी है और ये व्यवस्था 25 फरवरी 2022 से लागू हो जाएगी। फिलहाल घरेलू शेयर बाजारों में सौदों को पूरा होने में कारोबार वाले दिन के बाद 2 कारोबारी दिवस यानी T+2 लगते हैं। इस व्यवस्था का मकसद बाजार में खरीद फरोख्त बढ़ाना है। T+1 सेटलमेंट के फायदे। T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू होने से निवेशकों ट्रेडर्स को काफी राहत मिलेगी। इसकी वजह यह है कि आज अगर किसी ने शेयर की खरीद की तो इसके दूसरे दिन यानी कि एक दिन बाद ही उसके डीमैट खाते में शेयर्स पहुंच जाएंगे। इसी तरह अगर आज कोई शेयर बेचता है तो कल तक उसके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। इस तरह के तेज निपटान चक्र से शेयर कारोबार की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि लोगों को जल्दी पैसा मिलेगा जिससे वो नए शेयर्स में निवेश कर पाएंगे। इससे तेज निपटान होगा और एक्सचेंजों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। क्या होता है सेटलमेंट चक्र? शेयर बाजार में लेन देन की व्यवस्था बैंक या अन्य जगहों से अलग होती है। बैंक या अन्य पेमेंट सिस्टम से पैसा ट्रांसफर या फिर लेन देन होते ही आपके खाते में पहुंच जाता है, लेकिन शेयर बाजार में ऐसा नहीं होता। फिलहाल शेयर बाजार T+2 निपटान चक्र यानी सेटलमेंट साइकिल पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा है तो शेयर वास्तव में आपके डीमैट अकाउंट में ट्रेड डे के तीसरे दिन यानी कि आज के 2 दिन बाद T+2 में पहुंचता है। इसी तरह आपने कोई शेयर बेचा तो उसका पैसा खाते में तीसरे दिन पहुंचता है। इसे सेटलमेंट या निपटान चक्र कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।